जिंदगी जो है ना वो एक एग्जाम की तरह है, और इस एग्जाम में ना ज्यादातर लोग फेल हो जा रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि वो एक दूसरे का नकल कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि सबका क्वेश्चन पेपर अलग है, इसीलिए फेल हो रहे हैं। तो जिंदगी में सबकी समस्याएं अलग होती हैं। आप दूसरे की समस्या से केवल साहस ले सकते हैं, उसका तरीका नहीं अपना सकते। हिम्मत बनाए रखिए कि नहीं, हमें भी इस सफलता को पाना है। और ये जिंदगी जो है ना एक अजीब सी रेस है यार, समझ में नहीं आता है। अगर तेज भागिएगा तो आपके अपने पीछे छूट जाएंगे, और धीमे दौड़िएगा तो आपके अपने ही आपको पीछे छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए जिंदगी की रफ्तार इतनी बनाए रखो यार कि भले दुश्मन आगे निकल जाए लेकिन एक दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। अपनी जिंदगी में हौसला बना के रखिए। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। देखिए, परिस्थितियां सबके सामने होती, मुसीबत सबके सामने आता है। ऐसा कोई व्यक्ति बताइए ना जिसके यहाँ कोई मुसीबत ना हो। आप हो, हम हो, हाँ थोड़ा बड़ा थोड़ा कम आता है। मुसीबत से तो घबराना ही नहीं चाहिए। मुसीबत एक ऐसी तिजोरी है जिसके अंदर आपको सफलताओं के हथियार मिलते हैं। जब मुसीबत आएगी तो आप तिजोरी खोलिए, उसमें आपको हथियार मिलेगा आप सफल होने का। यह गलती किससे होती है? जो काम करता है, मेहनत करने वालों से ही तो गलतियां होती है। निकम्मों की तो पूरी जिंदगी निकल जाती है दूसरों में कमी ढूंढते ढूंढते। देखिए, सफलता और असफलता में थोड़ा सा अंतर है। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी, और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करा देगी। इसलिए सफल जरूर होइए। देखिए, 97% लोग जो है ना वो थक के किसी काम को छोड़ देते हैं, और जिंदगी भर उन 3% लोगों के लिए काम करने लगते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। हम लोग को भी कहना चाहते हैं कि देखिए, ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान जो होता है ना, आप देखिएगा कोई भी आगे गया, चाहे इतने भी बड़े लोगों को देखिए, जो भी आज साइंटिस्ट हो गया, जो भी सक्सेसफुल हो गए, वो अपने पढ़ाई में ऐसा नहीं कि बहुत टॉप थे, वो एक एवरेज स्टूडेंट रहते, लेकिन हाँ हमेशा निरंतर पढ़ते रहते थे। आप किसी भी चीज को निरंतर करते रहिएगा, आपको वो समझ में आ ही जाएगा, कन्फर्म आएगा। अगर आपको दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। दिन ना सबके लिए 24 घंटा का होता है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई किसी का साथ नहीं निभाता है। लोग अर्थी और जनाजा भी ले जाते हैं ना, दो कदम तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं, जबकि पता है कि आखिरी मुलाकात है। लोग यहाँ कंधा बदल बदल के ले जा रहे हैं, और लोग वादे कर रहे हैं कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई साथ नहीं निभाता है। कि लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है, वो 1 रुपए के आगे जब माँ स्कूल जाते वक्त दिया करती थी। और गौर से देखा करो अपने माँ बाप की आंखों में, ये वो आईने होते हैं जिसमें बच्चे कभी बूढ़े नहीं होते। देखिए, जीवन में ना अपने अंदर से अहंकार बिल्कुल निकाल दीजिएगा। अहंकार बहुत ही खराब चीज है। कहते हैं कि अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। अहंकार नहीं करना चाहिए। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। अहंकार कभी नहीं कीजिएगा। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। आप खुद को फ्रस्ट्रेट हो के देखना चाहते हैं तो आप अपने से बड़े लोगों को देखिए, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन आप खुश रह के जीना चाहते हैं तो आप अपने से छोटे लोगों को देखिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, जिंदगी ने तो हमें बहुत कुछ दिया। घुटन क्या चीज होती है उस बच्चे से पूछिए जो काम करता है रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पे। वो बच्चा कैसे खेलता होगा जो दिन भर मेले में खिलौना बेचता है। फिर फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। जिंदगी छोटी नहीं होती है, हम देर से जीना शुरू करते हैं। सबके सामने कुछ ना कुछ समस्याएं आती होती हैं। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त, कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। है कि एक आम 10 आम को सड़ा सकता है, लेकिन 10 अच्छा आम एक सड़े हुए आम को कभी ठीक नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको कोई आपके सर्किल में, कोई आपके करियर में कोई बाधा आता है तो तुरंत बाहर कीजिए, उनसे कोई इग्नोर मत कीजिए। हर समस्या का समाधान होता है, आप समस्या से भागिए नहीं। जिंदगी है, हमेशा आपको कभी कभी कोई जिंदगी में आएंगे टेम्पोररी लोग, और आपको परमानेंट लेसन सिखा के जाएंगे, तो इससे क्या आप अपना हिम्मत हार जाएंगे। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समुंदर अभी कितना दूर है। और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती है। मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है।
तो हम सब परिस्थितियों के आगे हार जाते हैं, हम हार जाते हैं। परिस्थितियां सबके सामने होती है, जो डट के रहा उसे मंजिल मिली और जो नहीं डटा वो हार के चला गया। जब हमारे पास परिस्थितियां आती हैं, हम घिर जाते हैं चारों ओर से, तो हम परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं, न कि उस परिस्थितियों से निकलते हैं। कोई मस्जिद जाता है, कोई मंदिर जाता है, कभी सोचा है भगवान को कितना बुरा लगता होगा? सोचते होंगे कि बंदा केवल हमसे मांगने ही आता है, यार कभी मिलने भी आया करो। हमको तो लगता है किसी दिन भगवान निकल के बोलेंगे कि यार केवल तुम लोग हमसे मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। तो भगवान से या अल्लाह से सबसे एक दुआ मांगिए कि आप हमको मुसीबत देना है आप दीजिए, आप जिस तरह से हमें खुशी देते हैं उसी तरह से हम आपके दिए गए दुखों को भी अपनाएंगे, लेकिन हाँ उस दुख से लड़ने की हिम्मत भी जरूर दीजिएगा। अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए ना, तो कल दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। किसी ड्रीम गर्ल के लिए ना अपने माँ बाप के ड्रीम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पहचान से मिला काम बहुत देर तक नहीं रहती है, लेकिन काम से मिलने वाली पहचान आजीवन रहती है। हम स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे, आजकल स्टूडेंट्स को पता नहीं क्या हो गया है ना, ससुरा वो लड़की के पीछे पगलाया है, कहता है कि लव हो गया। भाई दुनिया में लव नहीं होता है किसी से, ये एक अट्रैक्शन है सबको। मान लीजिए मेल है तो उसे फीमेल से होगा, फीमेल से है तो उसे मेल से होगा, तो कोई कैसे कहेगा कि हम तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं? तो उसको छुपाने के लिए कहता है हमको लव हो गया। भैया लव अब नहीं हो गया। अगर आपसे कोई कहता है ना कि आपको वो आपसे ट्रू लव करता है, तो उससे कहिएगा कि हमको अभी मेरा किडनी खराब हो गया, 1,00,000 रुपये की ज़रूरत है, नहीं देगा। लेकिन आप अपने माता पिता से कहिएगा कि हमको 1,00,000 की ज़रूरत है, और रियल में भी अगर हो जाएगा तो वो अपना शरीर बेच देंगे आपके लिए, लेकिन वो नहीं बेचेंगे। ये होता है लव। लेकिन लोग अट्रैक्शन को लव कहते हैं, उसके लिए पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये सब बाबू गलत चीज़ है। जो आप अपना देखिए, आप अपना करियर छोड़ के अगर इस सब चीज़ में जाइएगा तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आप जो रिश्ता खोजते हैं अपना कॉलेज में, कोचिंग में, ये सब परमानेंट रिश्ते नहीं हो सकते हैं। हाँ, आप गर्लफ्रेंड से शादी करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट लड़की होगी, लेकिन माँ बाप जो ढूंढ के लाएंगे, जो भगवान आपके लिए बनाया है, वो लड़की आपके लिए यूनिक होगी।